हेलो दोस्तों, मेरे पास एक 15 एम्पियर का चार्जर आया है। इसमें यहाँ पर एक कन्वर्टर सर्किट लगा हुआ है। यहाँ पर जो 12 वोल्ट बनाता है, ये सर्किट खराब हो गया है। देखिए, करीब 20 वोल्ट के करीब दे रहा है, कभी कभी वोल्ट ही नहीं दे रहा है। जब 12 वोल्ट दे रहा है तब चल रहा है, जब 12 वोल्ट सुन रहा है ज्यादा वोल्ट दे रहा है तब ऑफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम खोल फेंक देंगे और कैसे ठीक कर रहे हैं वो आप देखते रहिए। एक कन्वर्टर को मैंने खोल के फेंक दिया और काम के नहीं रहा। इसके बदले में एक रेजिस्टेंस 1K और 12 वोल्ट जनरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, চার্জারে একটু জল পানি পানি ঢুকেছিল মনে হয়। দেখো ওই যে এই জায়গাটা দেখো, ও লাগে না দিয়েই কাজ। नेगेटिव और ये 12 वोल्ट आउटपुट, 12 वोल्ट आउटपुट यहाँ से हो रहा है 1, 2, 3 नंबर पिन से। इधर में नेगेटिव डायोड का नेगेटिव साइड देना है आउटपुट लाइन में, और पॉजिटिव साइड आपका नेगेटिव करना पड़ेगा। और ये फॉरवर्ड हो रहा है, रेजिस्टेंस 1K बना रहा हूँ।
रेजिस्टेंस 48 वोल्ट से आउटपुट 12 वोल्ट पिन पे लगाना पड़ेगा। लगा दिया मैंने, ये পাওয়া যায় না, লাগে না, সব সার্ভারে এই থাকে, এই যা লাগাচ্ছি সব ওই দুই একটা এই লাগিয়েছে, লাগিয়ে সেগুলো তো ঝামেলা বেশি। अब देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। ट्वेल्व वोल्ट आ गया, देखिए दोस्तों चार्जर ठीक हो गया है। ओके दोस्तों आप चलाकर देखते हैं। देखिए दोनों रेड लाइट जल गया। पंखा चलने लगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज लाइट भी जलने लगा, बढ़ रहा है, 80% में ब्लिंक कर रहा है, पंखा भी चल रहा है। ओके दोस्तों आज यही तक रखता हूँ। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों।